नमस्कार, न्यूज पोल इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ, जहां पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित पीएचडी प्रवेश परीक्षा में आधा अंक पाने वाले परीक्षार्थियों को अब पूरा अंक दिया जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। वहीं विश्वविद्यालय की तरफ से पीएचडी में प्रवेश के लिए पिछले महीने ही प्रवेश परीक्षा ली गई थी। इसके नतीजे भी जारी हो चुके हैं और रिजल्ट दशमलव अंक में घोषित किया गया था। इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों को 50% और आरक्षित वर्ग के छात्रों को 45% नंबर लाने थे। जारी नतीजों के अनुसार कई विषयों में एक भी छात्र सफल नहीं हो पाया था। बहुत सारे छात्र आधे नंबर से पासिंग मार्क्स हासिल कर चुके थे। जिन छात्रों को पासिंग अंक के लिए 0.5 अंक से कम मिले हैं, वो अब क्वालिफाई कर सकेंगे। कांग्रेस और भाजपा में सत्ता सिलेंडर को लेकर के घमासान छिड़ चुका है। कांग्रेस ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद वो सबसे सस्ता सिलेंडर देंगे। वहीं भाजपा ने कांग्रेस को 2018 के घोषणा पत्र की याद दिलाते हुए कहा कि पुराने वादा पहले पूरा कर ले, फिर सस्ते सिलेंडर की बात करें। रसोई गैस सिलेंडर, महिलाओं की सुविधाओं को लेकर कांग्रेस भाजपा में अब घमासान छिड़ चुका है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार प्रसार के लिए कांग्रेस भाजपा के स्टार प्रचारकों ने ताकत झोंक दी है। बुधवार की देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे। उन्होंने देर रात तक भाजपा कार्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे और उनके परिसर में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की। पहले चरण की 20 सीटों के चुनावी फीडबैक लेने के साथ साथ 17 नवंबर को होने जा रहे दूसरे चरण के चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। राज्यपाल से मिले गए, कुलपति वाजपेयी दीक्षा पर आने का निमंत्रण भी दिया। विदेश प्रवास के लौटने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी अब राज्यपाल और कुलाधिपति बिस्वा भूषण हरिचंदन से मिले हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा करने के साथ इस साल के अंत में होने वाले दीक्षा समारोह में आने का निमंत्रण दिया गया है। राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन ने इस खास मौके पर कुलपति आचार्य वाजपेयी को उच्च शिक्षा और अनुसंधान में किए गए श्रेष्ठ कार्यों के लिए हाउस ऑफ लाइट्स और लॉर्ड्स लंदन में मिले हुए सम्मान के लिए शुभकामनाएं भी दी। साथ ही कहा कि आचार्य वाजपेयी द्वारा भारत में उच्च शिक्षा और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए कार्य महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ पोल इंडिया।